हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अनदर जॉब वैकेंसी विच इज अगेन अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्क फ्रॉम होम जॉब शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जॉब है ये निकली हुई है टेक महिंद्रा कंपनी की ओर से, जो कि बहुत ही अच्छी और वेल नोन कंपनी है। सो यहाँ पर जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, और जो आपका जो प्रोफाइल होगा वो होगा टेक्निकल सपोर्ट का। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट सिटी से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आप अंडर ग्रेजुएटेड हो, देन टू आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपकी एज 18+ होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए होगी। देखिए, अगर आप आईटी सेक्टर से आते हो, अगर आपने आईटी सेक्टर से अपना ग्रेजुएशन किया, या फिर आपको टेक्निकल थोड़ी भी नॉलेज है, तो आपको डायरेक्टली फ्रेशर भी होके आप तो भी आपको ये जॉब है वो जो मिल जाएगी। बट अगर आपने आईटी सेक्टर से नहीं किया, या फिर अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें जॉब नहीं मिल सकती है। बट फिर भी आप ट्राई जरूर करिए। तो देखिए, अगर आप आईटी सेक्टर से आते हैं तो आप फ्रेशर भी है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर आप आईटी सेक्टर से नहीं है, आपको 6 मंथ का कहीं भी टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकली आपको आता है कुछ चीजें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब का। मतलब मिनिमम 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप आईटी सेक्टर से नहीं है तो। फर्स्ट जॉब है वो टेक्निकल सपोर्ट का, एंड सेकेंड जॉब है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का। तो ये भी सेम, इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल्सो आपको दोनों ही चीजों में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग आपका शिफ्ट में हो सकता है, लाइक सुबह भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। तो ये दोनों में ही कभी भी टाइमिंग हो सकती है, वो आपके इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा कि कैसा टाइमिंग होगा। एट द सेम टाइम जो आपकी सैलरी है, ये भी आपके जो इंटरव्यू राउंड है उसके बाद डिसाइड होगा। सो इंटरव्यू होने के बाद आपका डिसाइड हो जाएगा कि एग्जैक्टली सैलरी क्या है। बट मैं आपको मिनिमम एक अमाउंट बताऊं तो इसकी जो मिनिमम अमाउंट जो सैलरी होगी आपकी, ये होगी 20-25 के बीच में होगी। सो अगर आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो मे बी वो इंक्रीज भी हो सकता है, एंड एज वेल एज वो डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब 20 एंड 25 के अंदर ही होगा जो भी आपका सैलरी होगा। तो यहाँ पर है ना, बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पर इंटरव्यू कैसी होगी। देखिए, इंटरव्यू आपका HR राउंड होगा, एंड ऑल्सो एक दो टेस्ट होंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड जो क्वेश्चंस है, अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जिसमें मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि मोस्टली आपको क्वेश्चंस क्या प्रिपेयर करने होते हैं। तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं मेरा वो वीडियो। सो यस, ये था, और इसे अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप उसके थ्रू जाकर डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर सबमिट कर सकते हैं। सो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो आपका जो भी कॉलिंग नंबर आप रजिस्टर करेंगे, तो मेक श्योर करें वो नंबर आप चालू रखें, ताकि जब भी उनका ईमेल आए एंड या फिर कॉल आए तो आप उसे पिक करने के लिए रेडी रहो। सो यार, दिस वॉज माई टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो आई जस्ट होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।